आज़म हनीफा रहमतुल्लाह की बारगाह में एक बोसीदा हाल में एक शख्स हाजिर हुआ। आपने मुसल्ले की तरफ इशारा करके फरमाया कि मुसल्ले का कोना उठाकर जो कुछ भी ले लो। उसमें कोना हटाया तो 1000 दिरहम थे। कहने लगा, हुजूर मैं तो मालदार आदमी हूँ, खाता पीता आदमी हूँ। आपने फरमाया, क्या तुझे ये हदीस नहीं पहुँची कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल पसंद फरमाता है कि वह अपनी नेमत का असर बंदे पर देखे। यानी बड़े आसान तरीके से उसकी इस्लाह फरमाई और हदीस भी सुना दी कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसको वो पसंद फरमाता है कि वो नेमतें बंदे पर नज़र आएँ। यानी अपनी हालत को अच्छा रखो, अपने कपड़ों को अच्छा रखो, अपने जूतों को अच्छा रखो, अपनी गाड़ी को अच्छा रखो, अपने मकान को अच्छा रखो। तो हम जो अपने घर पे खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, ये सब सदक़े में शुमार होता है। बाज़ लोग जनाब इतना पैसा होता है कि 7 पुश्तें खाएंगी, लेकिन वो अपनी हालत ऐसी रखते हैं कि लोगों को तरस आ रहा होता है, रहम आ रहा होता है उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आजी और सादगी यही है कि अपने ऊपर भी खर्च करें, साफ़ सुथरे रहें, मदनी चैनल देखते रहें।